गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 चाल तथा समय। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक कांसेप्ट को बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर करने वाला हूं। उसके बाद से इस चैप्टर पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट साधारण एवं चक्रविधि ज्ञान पर 3 क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने बेसिक कांसेप्ट के साथ साथ प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस को लगभग 30 से 32 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि जितने भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, टोटल चैप्टर बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ। इस तरीके से डियर स्टूडेंट, मैं आपको प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाऊंगा कि आपके एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे छूटेगा नहीं। इसलिए डियर स्टूडेंट, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने के साथ साथ किस कॉन्सेप्ट पर किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको प्रत्येक चैप्टर पढ़ाता हूं और आने वाले अपकमिंग जितने चैप्टर होंगे सारे चैप्टर को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक बात और डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री आपका है, चाहे आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो या आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, बिल्कुल फ्री आपका कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने 2024 में 23 में 22 में करवा रखा है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को चाल तथा समय। तो डियर स्टूडेंट, चाल तथा समय का सबसे बेसिक सा फार्मूला आपका क्या होता है? चाल तथा समय का सबसे बेसिक सा जो फार्मूला होता है वो आपका होता है डियर स्टूडेंट, चाल बराबर दूरी बट्टे का समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यह चाल तथा समय का सबसे बेसिक सा फार्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले के माध्यम से डियर स्टूडेंट दो फार्मूले और आते हैं। यहाँ से आप दूरी बराबर क्या निकालोगे? दूरी बराबर आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट चाल गुणे का समय। दूरी बराबर क्या मिलेगा? चाल गुणे का समय। इसी फार्मूले से डियर स्टूडेंट यदि मैं आपसे पूछूं समय बराबर क्या आएगा, तो डियर स्टूडेंट समय बराबर आपको मिल जाएगा दूरी बट्टे का चाल। यह तीनों फार्मूले अति महत्वपूर्ण है, आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको यह सोचना होगा कि चाल का आखिर में डिफिनेशन क्या होता है। यदि मैं डियर स्टूडेंट समय को मान लूं 1 सेकेंड, यदि मैं मान लूं कि समय का मान 1 सेकेंड हो, तो आपका डिफिनेशन क्या बनेगा चाल का? कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है उसको हम चाल बोलते हैं। तो आपको तीनों पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इस चैप्टर में चाल तथा समय में यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, यानी कि मात्रक का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। ये देखो, जैसे कि डियर स्टूडेंट कभी भी यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे? यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो डियर स्टूडेंट आप 5/18 से गुणा कर दोगे। वहीं पर डियर स्टूडेंट यदि आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो क्या करोगे? 18/5 से गुणा कर दोगे। तो यह बिल्कुल बेसिक सा कांसेप्ट आपको ध्यान में रखना है और मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में और आपको आंसर बताना होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो ध्यान में रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुणा करेंगे
और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18 बटे 5 से हम गुणा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कांसेप्ट आपका है, आता है डीएल स्पीड, औसत चाल क्या होता है, यानी कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है डीएल स्पीड, औसत चाल बराबर आपका होता है डीएल स्पीड कुल दूरी बटे का कुल समय। औसत चाल बराबर आपका होता है डीएल स्पीड कुल दूरी बटे का कुल समय, ये आपका औसत चाल का फार्मूला है। इस पर भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे का कुल समय। नेक्स्ट आपका आता है डीएल स्क्वायर, यदि आपकी दूरियां समान हो, यदि आपकी दूरियां समान हो और उसी दूरी को तय करने में x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाए, तो ऐसे कंडीशन में औसत चाल क्या होगा। ध्यान से समझना डीएल स्क्वायर, यदि आपका दूरी समान हो, मान लीजिए कोई दूरी a से b तक है, एक आपका x है, एक आपका मान लीजिए कोई p व्यक्ति है जो कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसी दूरी को तय करता है, और एक व्यक्ति आपका q है जो कि y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसी दूरी को तय करता है, तो ऐसे कंडीशन में औसत चाल क्या होगी। जब दूरी समान हो लेकिन जो चाल है वो आपका अलग अलग हो, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट जो आपका औसत चाल होगा वो आपका औसत चाल बराबर आपका हो जाएगा 2xy बटे का x प्लस y, ये आपका औसत चाल होगा। और जब दूरी समान होगी तब, जब दूरी समान हो और अलग अलग चालों से तय की जाए, तो ऐसे कंडीशन में औसत चाल बराबर 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी पहले व्यक्ति की चाल, y की जो वैल्यू आएगी दूसरे व्यक्ति की चाल, सेम x आपका पहले व्यक्ति की चाल और y आपका दूसरे व्यक्ति की चाल। तो यदि आपका दूरी समान हो तो ऐसे कंडीशन में औसत चाल का यही कांसेप्ट है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट कांसेप्ट पर हम चलते हैं डियर स्टूडेंट, आपके एग्जामिनेशन में रेलगाड़ी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण कांसेप्ट है रेलगाड़ी वाला भी, आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कांसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। यदि आप डियर स्टूडेंट पूरी क्लास अच्छी तरीके से देख लेते हो तो चाल तथा समय से आपके एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे छूटेगा नहीं। बस एक बार आप अच्छी तरीके से पूरी क्लास को देख लीजिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस तरीके से कांसेप्ट क्लियर कराऊंगा कि चाल तथा समय से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं है। तो ध्यान से देखना, रेलगाड़ी से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। जैसे एक रेलगाड़ी हमारी ए है, ठीक है बाबू, और दूसरी रेलगाड़ी हमारी बी है, ठीक है बाबू। रेलगाड़ी ए की जो चाल है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, और रेलगाड़ी बी की जो चाल है वाई किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों रेलगाड़ियां क्या है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। तब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हो तो ऐसे कंडीशन में जो सापेक्ष चाल होता है, जो आपका रिलेटिव स्पीड होता है, दोनों की चालों के योग के बराबर होगा, यानी एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत चलेंगी तो ऐसे कंडीशन में जो सापेक्ष चाल होगा वो आपका x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। वहीं पर डियर स्टूडेंट, यदि आपका रेलगाड़ी a आपका इसी डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में आपका रेलगाड़ी b भी जा रही हो, और रेलगाड़ी a की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो और रेलगाड़ी b की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ऐसे कंडीशन में जो सापेक्ष चाल होता है दोनों की चालों के अंतर के बराबर होता है, दोनों की चालों के अंतर के बराबर होता है। तो दोनों कांसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, यदि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाए तो सापेक्ष चाल दोनों की चालों के योग के बराबर होगा, यदि दोनों रेलगाड़ियां सेम डायरेक्शन में जाए तो ऐसे कंडीशन में जो सापेक्ष चाल होगा दोनों की चालों के अंतर के बराबर होगा। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब डियर स्टूडेंट आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, नोट में क्या लिखो, तो पहला नोट में लिखो डियर स्टूडेंट, जब आपकी रेलगाड़ी किसी भी वस्तु को पार करे, सॉरी
जब आपकी रेलगाड़ी किसी भी खंभे को पार करे या किसी भी व्यक्ति को पार करे। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी रेलगाड़ी किसी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई नगण्य हो, जैसे आपका रेलगाड़ी ये पार कर रही है, जैसे आपका रेलगाड़ी ये पार कर रही है, कोई यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, अब कोई यहाँ पर खंभा खड़ा है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में व्यक्ति की लंबाई और खंभे की लंबाई तो नगण्य है। लंबाई का मतलब इससे है ना कि इससे, ये तो आपका हाइट में आ जाएगा, तो लंबाई का मतलब इससे है। तो जब कभी भी आपकी रेलगाड़ी किसी भी व्यक्ति को पार करे या किसी भी खंभे को पार करे, यानी कि लंबाई में नगण्य हो, तो ऐसे कंडीशन में रेलगाड़ी द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो खुद की लंबाई के बराबर होती है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। वहीं पर डियर स्टूडेंट दूसरा कांसेप्ट ये समझ लो कि जब कभी भी रेलगाड़ी किसी भी प्लेटफार्म को पार करती हो या किसी भी प्लेटफार्म पर खड़ी रेलगाड़ी को पार करती हो, कहने का मतलब यह है किसी भी लंबी वस्तु को पार करती हो, तो ऐसे कंडीशन में जो तय की गई कुल दूरी होती है वो आपका रेलगाड़ी की लंबाई के साथ साथ वस्तु की लंबाई को भी लेना होता है। समझ में आ गया होगा, तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी रेलगाड़ी आपका किसी भी लंबी वस्तु को पार करती हो तो ऐसे कंडीशन में जो कुल दूरी होती है रेलगाड़ी की लंबाई के साथ साथ वस्तु की लंबाई को भी लेना होता है। तो दोनों कांसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नाव पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसको भी ध्यान से देखो। यदि नाव की चाल हम मान ले, यदि हम नाव की चाल मान ले डियर स्टूडेंट की x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल हम मान ले डियर स्टूडेंट की y किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने मान लिया नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल आपका y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? तो धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जब नाव आपका धारा की दिशा में जाएगी तो वहां पर जो आपका धारा की दिशा में नाव की चाल होगी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा? धारा की विपरीत दिशा में आपका जो नाव की चाल होगी वो आपका x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है, जब आपकी नाव धारा की दिशा में जाएगी तो ऐसे कंडीशन में जो धारा की दिशा में नाव की चाल होगी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगा, लेकिन जब वही नाव आपका धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो ऐसे कंडीशन में जो आपका नाव की चाल होगी वो आपका x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन के कांसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन बताऊंगा कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के कांसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, और यह भी बात आपको समझ में आएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाए तो किस तरीके से हम उनको हैंडल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन ना हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने इस प्रकार से है, बोला है मोहन स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मोहन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय मिनटों में क्या होगा? यानी कि मोहन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय मिनट में कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, समय निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट? दूरी बटे का चाल। कंफ्यूज मत होना, समय को मैंने टी से रिप्रेजेंट करता है और डिस्टेंस को डी से और चाल को एस, ठीक है। तो दूरी कितना दे रखा है बाबू? दूरी आपको दे रखा है 2.5 किलोमीटर। 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2, ठीक है। बटे का चाल, चाल कितना दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोलिए भैया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी 5/2 और चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 5 से काट देंगे तो 5×30 यानी आपको मिल जाएगा 1/12 घंटा।
लेकिन हमको बताना किस में है, हमको बताना है मिनट में। तो एक घंटा में कितना मिनट होता है, एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दिया तो 12 25 60, यानी कि 5 मिनट लगेगा स्कूटर को उस दूरी को तय करने के लिए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देख लो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं डियर स्टूडेंट। बोला है एक कार 20 घंटों में 630 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मीटर प्रति सेकंड में इसका औसत गति क्या है ये आपको बताना है, यानी कि इसकी औसत गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट आपको क्या पता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ पर चाल ही निकालना है, तो चाल बराबर दूरी की वैल्यू कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट, 630 किलोमीटर। रोजी भैया 630 किलोमीटर बटे समय आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट 20 घंटा, तो रोजी भैया 20 घंटा। A0 से A0 कैंसिल, तो मिल जाएगा आपको 63/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको चाल मिल गई। लेकिन आपको चाल किस में बताना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। अब काट लो तो 9 × 18 9 × 7 = 63, तो 7 + 5 कितना होगा 35/4 4 से काटो तो 4 × 32 बचे आपका 3 × 5 फिर 4 × 32 फिर बचेगा 3 तो 10 गुना लगेगा 4 × 7 = 28 4 × 2 = 20 यानी 8.75 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी कि कार की जो औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी 8.75 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 3। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन को कवर कराऊंगा और डियर स्टूडेंट मैं आपको प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कि आपके एग्जामिनेशन में हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल भी पूछे जाते हैं, मीडियम टाइप के भी पूछे जाते हैं और हार्ड भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से पेशेंस के साथ बने रहिएगा, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, एक एथलीट 96 सेकंड में 800 मीटर दौड़ता है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, तो चाल ज्ञात कर लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे का समय। तो दूरी कितना तय करता है, 800 मीटर की दूरी 96 सेकंड में, तो दूरी का मान 800 और समय का मान 96, ठीक है। ये आपका किसमें है, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। हमको बताना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 गुणा कर देंगे, ठीक, 18/5 से हम गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर काट दो, 8 से काटेंगे, 8 × 8 = 00, अब 12/96, ठीक है, 6 × 18 6 × 12, ठीक है ना हो। तो ऊपर कितना मिलेगा, 100 × 3 = 300 / 10 0 से 0 = 5 में, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो उसकी चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको बेसिक कांसेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से समझना है इसमें। बोला है एक व्यक्ति 700 मीटर की दूरी 6 मिनट में तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल क्या होगी ये आपको बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल क्या होगी ये आपको बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी की वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, दूरी की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 700 मीटर बटे का समय। तो यदि आपका दूरी मीटर में है तो समय किसमें होना चाहिए, सेकंड में। यदि आपकी दूरी मीटर में है तो समय कितने होना चाहिए, सेकंड में। यहाँ पर दिया है 6 मिनट, तो 6 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 6 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने 60 से गुणा कर दिया। अब देखो भाई 0 से 1 = 5 तो मिल जाएगा आपको 70/36 70/36 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आपको आंसर बताना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो
तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18 बटे 5 से गुणा कर दो, 18 गुना 36 देखो 5 गुना 10 से 10 फोकचा में, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 7 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यूनिट को मात्रक को बिल्कुल ध्यान में रखना। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है डियर स्टूडेंट, एक बस 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, ठीक है, यदि इसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपको मिनट में बताना है। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि इसकी चाल कितनी है, क्योंकि बोला है एक बस 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी चाल क्या है, एक वाले निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे का समय, कितना 10 किलोमीटर की दूरी कितने 12 मिनट में तय करती है, तो यदि यह किलोमीटर में है, दूरी किलोमीटर में है, तो समय किसमें आएगा, घंटा में आएगा, कितना दे रखा है 12 मिनट, तो 12 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। अब देखो 12 एकम 12 अब 12 बजे 60 भाई 5 ऊपर जाएगा तो 10 बजे कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बस की जो चाल है वो आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर क्वेश्चन में ये बोल रखे हैं कि यदि उसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी कि 50 किलोमीटर घंटा उसकी चाल है, बोला जा रहा है यदि इसकी गति को हम 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करें, तो पहले आपका 50 था, इसको आप 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दोगे तो नई चाल कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा आपका नई चाल आ जाएगी, क्योंकि 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहे हैं, तो 50 से 25 कम करोगे तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा नई चाल आ जाएगी। अब आपको बताना है कि उसी दूरी को तय करने में बस द्वारा कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी तो आपका कितना है 10 किलोमीटर और चाल अब कितना हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो यहाँ से आप सॉल्व कर लो तो 5 गुना 10 और 5 बचे 25, यानी कि 2 बटे का 5 घंटा, लेकिन आंसर आपको किसमें देना है, आंसर आपको देना है मिनट में, तो घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम 60 से गुणा कर देंगे, तो 5 बराबर में 60, 12 गुना कितना हो जाएगा 24 मिनट, यानी कि उसी दूरी को तय करने में 24 मिनट लगेंगे, कब, यदि हम चाल को 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर देंगे तब। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आप बिल्कुल ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन के कांसेप्ट को समझिएगा, इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, इस तरीके से सारे क्वेश्चन के कांसेप्ट मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं। और ध्यान से आप डियर स्टूडेंट सारी क्लासेस लेते जाइए, किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना छूटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से देखिएगा, बोला है एक आदमी पी से क्यू की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तथा क्यू से पी की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, आदमी की पूरी यात्रा की औसत गति क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से पढ़िएगा तो एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि दूरी समान है, क्या है, दूरी समान है, एक आदमी P से Q तक की दूरी आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और एक आदमी जो दूसरा है Q से P तक की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो आपको औसत चाल बताना है, ठीक है। एक बार P से Q की तरफ जाता है एक आदमी और एक आदमी जो है Q से P की तरफ जाता है, यानी कि दूरी समान है और चाल अलग अलग है। तो मैंने क्या बताया था,
जब दूरी समान हो लेकिन चाल आपका अलग अलग हो तो ऐसे कंडीशन में औसत चाल बराबर क्या होता है? ऐसे कंडीशन में औसत चाल बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। तो हो गया पहले व्यक्ति की चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा बटे x प्लस y। तो 60 और 90 जोड़ोगे कितना होगा 150। एक जीरो से एक जीरो काट 15 छक्का 90, तो 6 दूना 12 6 6 36 और 36 दूना कितना हो जाएगा 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये आपका औसत चाल होगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। बोला है मनीष 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने गृह नगर जाता है तथा y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है, ठीक है। उसके घर तथा गृह नगर के मध्य दूरी 360 किलोमीटर है। यदि वह कुल 21 घंटे लेता है तो y का मान क्या होगा? a। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, मनीष कोई एक बच्चा है जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गृह नगर जाता है तथा y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है। उसके घर तथा गृह नगर के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है, तो आपको बताना है टोटल 21 घंटा लेता है तो आपको बताना है कि y का मान क्या होता है। तो समय बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट? दूरी बटे का चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे का चाल। टोटल टाइम कितना लेता है? 21 घंटे टोटल टाइम लेता है, ठीक है। अब यह 21 घंटे किस किस में लेता है? एक बार वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने गृह नगर जाता है तो दूरी कितना है गृह नगर की? 360 किलोमीटर। यानी कि यह 360 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। फिर यही 360 किलोमीटर की दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है और इन दोनों कार्यों को करने में टोटल जो टाइम लगता है उसको 21 घंटा लगता है। यहां तक आपको क्लियर है? समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल। इन 21 घंटे में क्या किया है? एक बार उन्होंने 360 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो आपको बताना है कि y का मान क्या है। यानी कि जब मनीष जो है घर वापस आया तो उसकी चाल क्या थी, y की वैल्यू बताना है। तो ध्यान से देखो, तो यहां पर बात हो जाए 21 जीरो से जीरो 4 9 36, ठीक है, तो बराबर हो जाए 9 प्लस का 360 बटे का। यहाँ पर 21 में से आप 9 घटाइएगा, 21 में से आप 9 घटाइएगा तो मिलेगा कितना 12 बराबर 360 बटे का वाई। देख रहे हैं ना कितना सिंपल क्वेश्चन है, 12 किया 36 जीरो चिपका दो तो वाई की वैल्यू कितना मिल जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि मनीष अपने घर वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस प्रकार से है डियर स्टूडेंट कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को कितने समय में पार करेगी, ये आपको बताना है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझना, समय बराबर क्या होता है बाबू? समय बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट, समय बराबर आपका होता है दूरी बटे का चाल। तो दूरी कितनी तय करती है? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंभे को पार कर रही है, तो मैंने क्या बताया था
जब आपकी रेलगाड़ी किसी भी व्यक्ति को पार करे या किसी भी खंभे को पार करे, यानी कि लंबाई में नगण्य हो उसको पार करेगी, तो ऐसे कंडीशन में जो कुल दूरी होती है केवल और केवल रेलगाड़ी की लंबाई होती है। तो यहाँ पर दूरी आपका हो जाएगा 100 मीटर बटे का चार, चार आपको दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ऐसे में 7 का तो सही हो जाएगा? नहीं सही होगा, क्योंकि दूरी आपका मीटर में है और चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर दो, ठीक है। अब क्या मिल जाएगा, 100 18 ऊपर जाएगा, 18 बटे का 50 गुणे का 5, 50 गुना 100 बस दो क्वेश्चन और साफ कराने वाला हूँ, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखो, बोला है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी किसी दूरी को 14 घंटा में तय करती है। यदि इसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है, कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणे समय। तो चाल आपका है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और समय निकाल लेता है 14 घंटा, यानी दूरी आपने निकाल लिया 54 × 14। इसको कैलकुलेट मत करो, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है यदि यदि उसी दूरी को रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे का चाल। दूरी तो आपका कितना है 54 × 14, चाल कितना कर दिया जाए 63 कर दिया जाए तो 63 कर दिया, 9 × 6 = 54 और 9 × 7 = 63, 7 से काटो तो 7 × 6 = 64 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो उसी दूरी को तय करने में 12 घंटा लगेगा यानी ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। बढ़ते हैं डिटेल क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, बोला है एक स्कूटर सवार पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा अगले 120 किलोमीटर व 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। अब तक की जो उसकी औसत चाल है, यदि वह उसी चाल से अगले 242 किलोमीटर की दूरी तय करे तो उसे कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि एक स्कूटर सवार है जो कि पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और अगले 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है। अब तक की जो उसकी औसत चाल है, यानी कि जो उन्होंने 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया, इन चालों का जो औसत है उसी चाल से 242 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डियर स्टूडेंट मिला ले, सबसे पहले निकाल लेते हैं कि औसत चाल यानी एवरेज स्पीड हम लोग निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या कर लेना है यार, कुल दूरी बटे का कुल समय होता है ना यार। तो कुल दूरी कितना तय कर रहा है, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 120 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो कुल दूरी कितना तय कर रहा है, 220 किलोमीटर, पहला 100 और दूसरा 120, कुल दूरी बटे का कुल समय। तो पहला समय कितना होगा, पहला समय आपका मान लेता हूं t1, यानी कि जो उन्होंने 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की उसको मैंने मान लिया t1 और 120 किलोमीटर जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय उसको मैंने मान लिया t2। अब देखिए 220 t1 बराबर क्या होता है, t1 मैंने किसको माना है, 100 किलोमीटर की दूरी जो उन्होंने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो आपका है 100 बटे चाल आपका है 50 बटे t2 मैंने किसको माना है,
जो 120 किलोमीटर की दूरी उन्होंने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है, तो दूरी आपका 120 और चाल आपका 50, देखो 50 गुना 100 और 4 किया 12 तो मिल जाएगा आपका कितना 220 बटे का 5, 5 से काटो तो 5 चौबीस यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ रही, 44 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ रही। अब आपको बताना है कि इसी औसत चाल से 242 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 242 किलोमीटर की दूरी इसी औसत चाल यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करा, 11 चौक 44 11 गुना 22 11 गुना 22 ठीक है, 2×2=4 यानी कितना 11/2 घंटा यानी कितना घंटा 5.5 घंटे लगेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5.5 घंटे या कहो या 11/2 घंटे में इस औसत चाल से 242 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया है चाल तथा समय के बेसिक कांसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे प्रश्नों का सलूशन। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में।